अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और सर्दियां इंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि सर्दियों का सीजन है और सर्दियों में हमारी स्किन हो जाती है बहुत ज्यादा ड्राई, और सबको यही मसला होता है कि हमारे हाथ पांव और फेस बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, कलर जो है वो डल हो जाता है। तो मैं आज आपके लिए एक बेस्ट रेमेडी लेके आई हूँ, जिसको यूज करके न सिर्फ आपके हाथ और पांव का कलर जो है वो फेयर हो जाएगा, बल्कि ये जो आपकी डलनेस होती है और जो स्किन ड्राई होती है वो भी नहीं होगी। तो मैं आपको बताती हूँ, इसमें बहुत इजी रेमेडी है और इसमें वही वाले इंग्रेडिएंट यूज होंगे जो कि मोस्टली हमारे घरों में अवेलेबल होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीजें यूज होगी। भाई सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस रेमेडी को बनाना कैसे है। तो चलिए हम देखते हैं पहले इसको बनाना कैसे है, फिर मैं आपको बताती हूँ हमने इसको अप्लाई कैसे करना है, कब करना है और किस किस टाइम करना है। तो आइए सबसे पहले अपनी रेमेडी जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें एक अदद प्योर ग्लिसरीन चाहिए और हमें चाहिए लोशन, कोई सा भी जो आपके घर में पड़ा हो। सर्दियों में तो हर किसी घर में लोशन पड़े होते हैं, तो कोई सा भी जो आप यूज करते हैं, जरूरी नहीं यही हो, जो भी आप यूज करते हैं घर में वो वाला आप इसमें ऐड कर लें। और इसमें हमें चाहिए हैं ये वाइटनिंग कैप्सूल, ये हमने इतने सारे ऐड नहीं करने, इसमें सिर्फ हमें दो कैप्सूल चाहिए, इसमें हम सिर्फ ये दो कैप्सूल ऐड करेंगे। तो आए फटाफट से हम अपनी रेमेडी जो है वो रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें दो चम्मच भर भर के लोशन के डालेंगे, दो चम्मच भर भर के हम इसमें लोशन के ऐड कर लेंगे। ये देखें, दो चम्मच हमने इसमें लोशन के ऐड कर लिए हैं। और अब हम एक जो है ये सारी हम ऐड नहीं करेंगे, हम इसको फ्रेश बनाएंगे, जब भी हमने यूज करनी है हम एक वीक के लिए इसको बना लेंगे। ये एक चम्मच मैं इसमें, एक चम्मच हम इसमें जो है वो ग्लिसरीन ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें ये कैप्सूल ऐड कर लेते हैं, ये वाइटनिंग कैप्सूल हमने इसमें ऐड किए हैं, ये आपने ज्यादा ऐड नहीं करने, सिर्फ दो ऐड करने हैं। ये दो कैप्सूल हम इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्सअप कर लेंगे। इसको बनाना बहुत इजी है, ये देखें बस थोड़ा सा टाइम लगा है और ये हमारी रेमेडी जो है वो रेडी हो गई है। इसको हम अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे, जो इसमें वाइटनिंग कैप्सूल के जरात है वो भी अच्छे से मिक्सअप हो जाए। फिर आपने इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको आपने एक क्रीम के कंटेनर घर में पड़े होते हैं, कोई सा भी क्रीम का खाली कंटेनर लें, डिब्बी लें और इसमें इसको जो है वो सेव कर लें। ये आपने ज्यादा दिनों के लिए नहीं बनानी, इसको सिर्फ एक वीक के लिए बनाएंगे और एक वीक के बाद आप इसको दोबारा से नए तरीके से बना लेंगे। अगर आप इसको ज्यादा दिन तक बना के रखेंगे तो ये जो है इसके जो असरात हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि जो इसको एक वीक के लिए या 10 दिनों के लिए, ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों के लिए इसको बना लें। इसको आप सुबह भी यूज कर सकते हैं, शाम को रात को सोते टाइम इसको लगाएं और सुबह उठ के लगाएं। इसको आप अपने फेस पे भी लगा सकते हैं, हैंड पे भी और अपने फूड्स पे भी अप्लाई करें। इसके बहुत बेस्ट रिजल्ट्स हैं, तकरीबन 3 से 4 दिनों में ही आपको इसके जो रिजल्ट है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। आपने इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी इस तरह हाथ पे, इस तरह थोड़ा सा इसको लेना है अच्छी तरह से हाथों पे, इस तरह से करके इसको अपने हाथों पे, बाजुओं पे, अपने पाओं पे और अपने फेस पे जो है वो रात को अच्छे से अप्लाई करके सो जाना है। और सुबह उठ के किसी भी फेस वॉश के साथ जो है अपना फेस वॉश कर लेना है। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट 3 से 4 दिनों में ही आपको वाजिया नजर आने शुरू हो जाएंगे। इस तरह से जो आपके डार्क एरियाज हैं उस पर भी अच्छे से अप्लाई कर लें। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो, होप आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि इस तरह की मजे मजे की वीडियोस और रेमेडीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। तो सब्सक्राइब करें और चैनल का हिस्सा बने और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले जरूर मिल सके। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।